1 to 5 है। सर हाँ बताए। आज मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो मैं बार बार सर डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, तो अगर बीच में हुआ तो आप लेट इन करोगे ना बाद में? ओके हाँ हाँ ठीक है सर। ओके थैंक यू। First question was prove that a into cos of b minus c by 2 is equal to b plus c into sin a by 2. Or to prove B plus C by A is equal to cos of B minus C by 2 upon sin A by 2. ये भी प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा। Now come to LHS. B plus C by A, use sine rule. B के जगह क्या लिखेंगे? Using sine rule. Sine rule क्या होता है? A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C equal to 2R. तो ये दोनों को इक्वेट करोगे तो A is equal to 2R sin A, B is equal to 2R sin B, C equal to 2R sin C. 2R common, then you have sin B plus sin C upon 2R sin A. अब इसमें डालो साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो यूज करेंगे तो ये होगा टू साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू अपॉन साइन। इन्हें ट्रायंगल एबीसी साइन बी प्लस सी बाई टू क्या होता है? व्हाट इज द साइन बी प्लस सी बाई टू कितना होता है? सब मैंने बताया था, कुछ भी याद नहीं रख रहे हो। ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है?
फाइव होता है, डिवाइड बाय टू कर दो, बी प्लस सी बाय टू, या आपको मिल जाएगा 5/2 माइनस ए बाय टू। यस, कॉस ऑफ बी प्लस सी बाय टू, नहीं साइन ऑफ बी प्लस सी बाय टू, बोथ साइड साइन यूज करो। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये साइन होता है तो आपको कॉस में मिलता है रिजल्ट, कॉस होता है तो साइन में रिजल्ट मिलता है, बी प्लस सी होगा तो ए में आएगा आंसर। मैंने बताया था ऐसे आप लिख सकते हो, साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू, यू कैन राइट कॉस सी बाय टू, साइन ऑफ बी प्लस सी बाय टू, यू कैन राइट कॉस ए बाय टू, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू, यू कैन राइट साइन ए बाय सी बाय टू, साइन कॉस होगा कॉस साइन होगा, टैन कॉट होगा, टैन ऑफ ए प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू कॉट ऑफ सी, टैन कॉट कॉट टैन होगा। सिमिलरली साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की जगह आप पाई माइनस सी लिख सकते हो, दैट इज साइन सी, साइन ऑफ बी प्लस सी आपको साइन ए मिलेगा। कॉस यूज करोगे तो कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, टैन यूज करोगे तो वो भी माइनस में होगा, ये सब आपको यूज करना पड़ेगा। एनी ऑफ दिस बिकम टू, ये आपका कॉस ए बाय टू हो गया इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाय टू, इसमें डालो साइन टू थीटा, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये टू थीटा इज द ए, थीटा हो जाएगा ए बाय टू, तो टू कैंसल्ड, कॉस ए बाय टू कैंसल, मजा क्या, कॉस ऑफ बी माइनस सी बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू, दिस इज योर आर एच एस, वही प्रूव करना था। राइट, डन, यस सर। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट वन माइन वन प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस सी अपॉन वन प्लस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस बी,
ओके वन माइनस नो वन प्लस क्रॉस ए माइनस बी इनटू प्लस सी बी माइनस सी इनटू नॉट बी माइनस ए माइनस प्लस बी। इसको मुझे प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस सी के जगह ए बी में क्या लिखेंगे? कॉस सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी क्या लिखेंगे? एंगल ए एंड बी। इसको यूज करो साइन ए प्लस बी। नो कॉस ए प्लस बी तो माइनस कॉस सी, तो कॉस सी की जगह आप माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी यूज करोगे, तो ये होगा माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी अपॉन वन प्लस कॉस ऑफ ए माइनस सी, कॉस बी की जगह माइनस ऑफ कॉस ए प्लस सी होगा। Am I correct? Yes, sir. Which is 1 plus minus. Minus ho gaya. Cos A plus B into cos A minus B. Upon denominator ho gaya 1 minus cos A plus C into cos A minus B. Cos A plus B into cos A minus B. फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो नहीं होगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस सी इंटू कॉस ए माइनस बी ए माइनस सी स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर सी। इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर बी अपॉन डिनोमिनेटर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर सी। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। अभी साइन रूल डालो, साइन स्क्वायर ए क्या होता है? साइन रूल में साइन ए क्या होता है? कितना होगा ए अपॉन टू आर, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू टू आर, तो साइन ए क्या हो जाएगा ए बाय टू आर, तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर, लाइक डिनोमिनेटर ऑल्सो सिमिलरली ए स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर। 4 r square LCM, then you have a square plus b square upon a square plus c square. 4 r square cancel out. And this is your RHS. And there you go.
फॉर्मूला फॉर्मूला मैन होता है। थर्ड वन इंप्रूव करना है, ए इंटू कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए इज इक्वल टू बी इंटू कॉस सी कॉस ए प्लस कॉस बी, सी इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी। ये देखिए सेकंड। यस सर। A into cos B cos C plus cos A, प्रूव करना है कि B into cos C cos A plus cos B same as C into cos A cos B plus cos C। ये सिमिलर टर्म आपका एक ही होगा तो मतलब बाकी तीनों भी उसी रेस्पेक्ट में होता है, तो नो नीड टू फाइंड आउट ऑल थ्री क्योंकि ये सिर्फ रोटेट कर रहा है। ए के लिए कॉस है, बाकी दो बी एंड सी, बी के लिए कॉस बी, ये सी एंड ए, सी के लिए कॉस सी एंड बी, ये रोटेट हो रहा है। तो एक ही टर्म निकाल रहा हूँ, क्या हो रहा है देखते हैं। ए इंटू कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए, कॉस ए के जगह बी सी में क्या लिखेंगे, से क्या होता है इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी, यूज दिस वन क्या होगा, कॉस सी होता है कॉस ए प्लस बी तो माइनस कॉस सी, तो कॉस सी क्या होता है माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो कॉस सी की जगह आप माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी यूज कर सकते हो, कॉस ए की जगह आप माइनस ऑफ कॉस बी प्लस सी यूज कर सकते हो, use cos A as minus of cos B plus C। अब डाल दो cos B plus C का फॉर्मूला, डालो cos B plus C का फॉर्मूला कितना होता है, cos A plus B फॉर्मूला minus cos A, नहीं फॉर्मूला फॉर्मूला ये नहीं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, मैं तो उसके जगह उल्टा करके आया, फिर उसको उल्टा कर देंगे तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा, इसके जगह माइनस कॉस ए लिखूंगा तो फिर तो यही आ जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b minus sin a sin b, cos a cos b minus sin a sin b, ये होगा cos b cos c minus sin b sin c, तो ये प्लस माइनस कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और a के जगह डाल दो टुवर्ड sin a और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस sin b इंटू साइन सी, तो आपको क्या मिला टू आर साइन ए साइन बी साइन साइन सी, तो सेकंड सिमिलरली सेकंड भी आपको वही मिलेगा, सेम मेथड करेंगे कॉस सी कॉस ए प्लस कॉस बी के जगह लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस ए प्लस सी, फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा जैसे इधर मिला था ए साइन बी
साइन सी ए केस में आपको मिलेगा ए साइन बी साइन सी साइन ए, फिर टू आर साइन बी डाल देंगे तो टू आर साइन ए साइन बी साइन सी, सिमिलर। तो ये जितना मिलेगा ये भी उतना मिल रहा है, थर्ड भी उतना मिलेगा, थर्ड वन ऑल्सो सेम थिंग, टू आर साइन ए साइन बी साइन सी, इसका मतलब फर्स्ट सेम आज सेकंड सेम आज थर्ड। समझाइए कि नहीं, यस सर। फोर्थ वन तो ए होगा तो बी हो जाएगा सिमिलर मेथड, कोई एक करेंगे प्रूव दैट सी अपॉन ए माइनस बी द टेन ए बाय टू प्लस टेन बी बाय टू अपॉन टेन ए बाय टू माइनस टेन बी बाय। ओके ओके तो टैन ए प्लस टैन बी क्या होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो टैन ए प्लस टैन बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ। सब मैंने बताया था, साइन प्लस में कन्वर्ट करो, टैन ए क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, ऐसा होता है सर, साइन ए प्लस बी अपन कॉस ए कॉस बी। यस अच्छा प्लस भी कैसे कर रहे हो आप लोग, हाँ ये कैसे साइन ए प्लस बी अपन साइन ए प्लस साइन बी अपन कॉस ए प्लस कॉस बी ऐसे कैसे होता है, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, न्यूमरेटर होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, तो ये क्या हो जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए। सिमिलरली टैन ए माइनस टैन बी यू कैन राइट साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस ए,
इसमें ए के जगह ए बाय टू दिया गया, तो न्यूमिरेटर क्या होगा? साइन ए बाय टू प्लस बी बाय टू, और यू कैन राइट ए प्लस बी बाय टू। अपॉन कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी बाय टू अपॉन कॉस ए बाय टू कॉस बी। तो दिस टू कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा, आपको डिफिकल्ट हो सकता है मतलब इधर से ये निकालना, तो जिसको डिफिकल्ट होगा आप एलएचएस को ब्रेक कर दो, ये मिल जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको पूरा आरएचएस से एलएचएस, साइन ऑफ ए माइनस बी बाय टू न्यूमरेटर में साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करो टू कॉस ए प्लस बी बाय टू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू कॉस ए प्लस बी बाय। ऐसे क्यों किया? मैंने ए माइनस बी को देख रहा हूं, ये क्या दे सकता है मुझे? ए माइनस बी होता है टू आर इंटू साइन रूल डालेंगे, टू आर इंटू साइन ए माइनस साइन बी, विच इज टू आर साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा? इसमें डालो साइन सी माइनस साइन डी, तो आपको मिलेगा टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू। तो वो मेरा विजुअलाइजेशन था, तो इसलिए मैंने टू कॉस ए प्लस बी बाय टू को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो दैट डिनोमिनेटर में मैं साइन ए माइनस साइन बी को ला सकता हूँ। आप इतना विजुअलाइज कर पाओगे तो होगा, नहीं अदरवाइज आप लेफ्ट साइड को ब्रेक करके इतना निकाल दो, वो भी होगा। अब डिनोमिनेटर हो गया, अच्छा न्यूमिरेटर साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू कितना होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू साइन कॉस होता है, कॉस साइन होता है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू की जगह आप लिख सकते हो टू कॉस सी बाय टू, बी बाय टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू यू कैन राइट टू साइन, मतलब सॉरी टू तो ऑलरेडी, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू यू कैन राइट साइन सी बाय टू, और ये आपका हो गया साइन ए माइनस टू साइन सी बाय टू कॉस सी बाय टू कितना होता है? टू साइन सी बाय टू कॉस सी बाय टू, कितना होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा साइन टू थीटा, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा बोलेंगे आपको साइन टू थीटा दिमाग में आ जाता है, बट टू साइन सी बाय टू कॉस सी बाय टू आप और कुछ सोच रहे हो, ऐसे कैसे होता है? तो ये साइन टू थीटा होगा, मतलब ये एंगल का डबल हो जाएगा, साइन सी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, एक टू आर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो टू आर साइन सी अपॉन टू आर साइन ए माइनस टू आर साइन बी, मैंने टू आर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, टू आर साइन सी के जगह क्या लिखेंगे? साइन रूल सी, ये आपका ए ये आपका बी, ओके। हो सकता है आपका ये थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो आप एल एच एस को ब्रेक करके पहले यहाँ पे रख दो, इधर रख दो, ये इक्वेशन वन बना दो, फिर एल एच एस को ब्रेक करो, ये आपको मिल जाएगा।
ऐसे आपस लाइक दैट इसका सेकंड पार्ट आल्सो यू कैन फाइंड. Prove that a minus b upon a plus b the cot of a plus b by 2 into tan of a minus b by 2. Also show that area of triangle is half a square sin b sin c upon sin a. हम फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ये दो क्वेश्चन है हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुके हैं. फर्स्ट पार्ट इज योर टेंजेंट रूल, नेपियर्स रूल. ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ऑफ ए प्लस बी बाय टू इंटू टैन ऑफ ए माइनस बी बाय टू. ये आपका नेपियर रूल था. आप कॉट ऑफ ए प्लस बी बाय टू को क्या लिखोगे ट्रायंगल में? टेन सी बाय टू. टेन सी बाय टू इंटू टेन ऑफ ए माइनस बी बाय टू इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी. इसको वन बाय कट कर दो. दैट इंप्लाइज टेन ऑफ a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b. इसको डिवाइड कर दो 1 by 10 c by 2. This became cot of c by 2. और ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं. दिस इज योर नेपियर रूल. बाकी आपका सेकंड पार्ट प्रूव करना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन. ये प्रूव करना. हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? तीन चार फॉर्मूला मैंने दिया था. एक तो हाफ बेस इनटू हाइट ऑलरेडी आपको पता है, और एक फॉर्मूला क्या दिया था? हाफ क्या दिया था? ए बी साइन सी और हाफ बी सी साइन ए और हाफ सी साइन बी. तो ये वही कर रहा हूँ. एक्चुअल साल एक मिनट लेक्चर चल. आप ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को कर दो ए इंटू ए इंटू साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए. व्हाट इज ए बाय साइन ए? टू आर. टू आर हाफ टू आर ए साइन बी साइन सी. व्हाट इज टू आर साइन बी? बी. बी हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी आ गया. अरे आपका समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? यस सर. राइट ऑन.
डन। यस सर। डू नेक्स्ट फाइव। स्क्वायर बी माइनस सी बाय टू अपॉन बी प्लस सी होल स्क्वायर। प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस सी बाय टू अपॉन आपका बी माइनस सी। फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज बी प्लस सी। इसमें साइन रूल डालेंगे तो क्या होगा, बी की जगह टू आर साइन बी, सी कैन राइट टू आर साइन सी, तो टू आर कॉमन साइन बी प्लस साइन सी। इसमें डालो साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन बी प्लस सी बाय टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाय टू विच इज फोर आर साइन बी प्लस सी बाय टू। ट्रायंगल में क्या होगा, साइन ऑफ बी प्लस सी बाय टू cos a by 2 into cos of b minus c by 2। ये रिजल्ट यूज होगा इसमें। लाइक दैट b minus c, b minus c क्या होगा, वही 2r sin b minus sin c हो जाएगा। तो sin c minus sin d का फॉर्मूला, फर्स्ट वन cos होता है, सेकंड वन sin होता है, तो 2 cos b plus c by 2 into हो जाएगा sin of b minus c by 2 which again 4 r cos of b plus c by 2। इसके जगह आप लिखोगे sin a by 2 into sin of b minus c by 2। ये दो रिजल्ट हम इधर यूज करेंगे which is cos square b माइनस सी बाय टू। अब b प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, 16 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर a बाय टू कॉस स्क्वायर b माइनस सी बाय टू, इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, 4 आर का होल स्क्वायर 16 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर a बाय टू कॉस स्क्वायर b माइनस सी बाय प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस सी बाय टू अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 16 आर स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर ए बाय टू इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस सी बाय टू, तो ये कैंसल्ड, 1/16 आर स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में है, और रेस्ट यू हैव 1/ cos square a by 2 plus 1 by sin square a by 2 which is 1/16 r square। आपका LCM क्या हो गया, sin square a by 2 into sin square, no cos square a by 2
न्यूमरेटर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय टू। साइन स्क्वायर ए बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय टू कितना होता है? वन। वन। और 16 आर स्क्वायर पॉप कर दो, 4 आर स्क्वायर इंटू 4, 16 आर स्क्वायर को करो, 4 आर स्क्वायर इंटू 4, 4 को कर दो 2 का होल स्क्वायर, मतलब इसको लिखेंगे 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इंटू 4 आर स्क्वायर, 16 आर स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ए बाय 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। ये कितना होता है? साइन ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर है। ओह यार। कैन आई राइट 2 आर साइन ए का होल स्क्वायर? क्योंकि 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है, दैट इज 2 आर साइन ए का होल स्क्वायर। 2 आर साइन ए कितना होता है? ए। ए। आ गया। समझा? अरे डॉ Done. Okay. Yes, sir. Done. Seven. It is given. Prove that a square sine b minus c by 2 upon sine b plus sine c, like that. तीनों टर्म सिमिलर टर्म, ए स्क्वायर साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए प्लस सी स्क्वायर साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन ए। ये आपका सिमिलर टर्म, फर्स्ट टर्म सिमिलर टू सेकेंड टर्म सिमिलर टू थर्ड टर्म, तो आपको तीनों निकालने का जरूरत नहीं, जस्ट सिंप्लीफाई एनी वन टर्म, बाकी उसी हिसाब से हम बाकी दो टर्म को लिख सकते हैं। तो जस्ट फाइंडिंग ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ये देखो मैं कैसे ब्रेक, इसको लिख देता हूं ए इंटू ए साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ए स्क्वायर को मैंने लिखा ए इंटू ए, एक ए की जगह लिखेंगे साइन रूल डाल देंगे, टू आर साइन ऑफ टू आर साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहा हूँ आज इट इज, तो विच इज टू आर ए साइन ए, ट्रायंगल में क्या होगा बीसी में?
साइन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन डिनोमिनेटर। चाहो तो एक जगह फिर और एक टू आर साइन नहीं लिख सकते, एक जगह टू आर साइन नहीं लिखा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी फॉर्मूला। साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी इट इज साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। आप लोग फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं रख रहे हो तो फिर ये डिफिकल्ट होता जाएगा। ये हो गया फोर आर स्क्वायर साइन ए, इसमें डालो लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इफ यू यूज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर आपका x प्लस वाई, ठीक है ना। ये हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, तो ये कैंसिल हो गया। आपको बचा फोर आर स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी। तो इसका जो रिजल्ट मिला, यस, ये रिजल्ट आपको मिल गया फोर आर स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी। सेकंड रिजल्ट क्या होगा, फोर आर स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, सब में फोर आर स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए, सिमिलर हो रहा है। थर्ड टर्म होगा साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन ए, ये कितना देता है, साइन ए इंटू साइन बी, ये माइनस साइन ए साइन बी कैंसल, साइन ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी प्लस कैंसल, साइन बी साइन सी प्लस साइन बी साइन सी माइनस, सब कैंसिल हो गया, ऑल कैंसिल, यस। तो इट इज फोर आर स्क्वायर इनटू जीरो। कभी ऐसा क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन रहता है तो आपको तीनों टर्म निकालने का कोई जरूरत नहीं, एक ही टर्म निकालो, बाकी दो को उसी रेस्पेक्ट में लिख दो। समझाइए, डन।
नेक्स्ट वन, ए साइन ए बाय टू इंटू साइन बी माइनस सी बाय टू, लाइक दैट थ्री टर्म्स. Plus b sine b by 2 into sine c minus a by 2 plus c sine c by 2 into sine of a minus b by 2. वही करेंगे, एक टर्म निकालते हैं फिर बाकी देखते हैं. और ट्रायंगल में साइन ए बाय टू की जगह क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल में साइन ए बाय टू की जगह क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ बी प्लस बाय कॉस ऑफ बी प्लस सी बाय टू साइन ए बाय टू होता है, तो रिवर्स कर दिया मैंने, इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाई टू. एक टू मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, टू कॉस b प्लस सी बाई टू इंटू साइन b माइनस सी बाई टू, ये किसका फॉर्मूला? ये किसका फॉर्मूला? टू कॉस बी प्लस सी बाय टू इंटू साइन बी माइनस सी बाय टू. इट इज साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी माइनस साइन. एक टू आर मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो ए बाय फोर आर. टू आर साइन बी कितना होगा? बी टू आर साइन सी, तो ये हो गया वन बाय फोर आर ए इंटू बी माइनस सी. सेकेंड होगा बी इंटू सी माइनस ए. थर्ड होगा सी इंटू ए माइनस सी. ये कितना होता है? जीरो. जीरो सब कैंसिल हो जाता है. सबके सब वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था. नेक्स्ट वन था बी माइनस सी इंटू कॉट ए बाय टू. C minus A into cot A by 2 garam pani plus A minus B into cot C. आप चाहो तो साइन रूल डाल सकते हो, अदरवाइज हाफ एंगल फॉर्मूला भी डालो, वो भी होगा. कॉट ए बाय टू का फॉर्मूला डिनोमिनेटर ट्रायंगल एरिया देके क्या बताया था? कॉट ए बाय टू का फॉर्मूला जिसका डिनोमिनेटर में एरिया था, क्या था फॉर्मूला?
आप अगल फॉर्मूला कराए थे ना, आप चाहो तो बी सी में आप साइन रूल डाल के भी कर सकते हो, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन किए। ठीक है, इधर भी हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था, जिसका डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल था। इट इज एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एरिया, तो आप यूज कर सकते हो उसको, विच इज बी माइनस सी इंटू एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एरिया प्लस सी माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एरिया प्लस ए माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एरिया। अब कॉमन क्या जाएगा, एस बाई एरिया कॉमन जा रहा है, बचा क्या, एस माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस एस माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस एस माइनस सी इंटू ए माइनस बी। इसका एक एक ओपन करो, मतलब एस के साथ बी माइनस सी डालो, एस के साथ सी माइनस ए डालो, एस के साथ ए माइनस बी, तो क्या होगा, एस इंटू बी माइनस सी प्लस एस इंटू सी माइनस ए प्लस एस इंटू नो एस इंटू सी माइनस ए नॉट एस माइनस। एस इंटू ए माइनस बी प्लस, अब सबका सेकेंड वाला माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, ए इंटू बी माइनस सी, माइनस कॉमन रखेंगे, देन बी इंटू सी माइनस ए, देन सी इंटू ए माइनस, ये कितना होता है, जीरो। ये कितना होता है, जीरो। एस कॉमन ले लेंगे, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी होगा, वो भी जीरो हो जाएगा, तो एस अपॉन एरिया इंटू जीरो इंटू, यस सर। टेंथ वन, ए क्यूब इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए माइनस बी, ये प्रूव करना है जीरो। टेंथ लिख दिया, वही करेंगे सिमिलर टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एक ही टर्म इवेल्यूट करेंगे, ए क्यूब साइन बी माइनस सी, यू कैन राइट ए स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस, ए ए के जगह साइन रूल डाल दो, टू आर साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस, ए स्क्वायर इंटू टू आर साइन ए, ट्रायंगल में क्या होगा, साइन
साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ विच इज ए स्क्वायर इंटू टू आर साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी एक टू आर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ तो टू आर इंटू टू आर फोर आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर बाय टू आर रखा बाकी रखा मैंने फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर सी फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी क्या होता है टू साइन नो फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी साइन रूल डालेंगे तो बी स्क्वायर इट इज टू आर साइन बी का होल स्क्वायर अच्छा वही बोल रहे ठीक है माइनस टू आर साइन सी का होल स्क्वायर अपॉन टू हाँ सर ये कितना हो गया फोर नहीं यहाँ से तो इधर आया टू आर साइन बी के जगह क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो ये जो मिला आपको ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो ये जो मिला आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू आर सेकेंड वन क्या होगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू आर ये होगा सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू आर तो टू आर एलसीएम चला गया समझाइए बाकी आपका ये चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री वन हाँ ट्रिग्नोमेट्री वन तो हुआ था मतलब फर्स्ट चैप्टर तो हुआ था सेकंड चैप्टर ना टू ये थर्ड चैप्टर हाँ वही हाँ, एक इक्वेशन होता है एक आइडेंटिटीज होता है एक इक्वेशन होता है और ये हाँ सर तो नेक्स्ट विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर हाँ तो मोस्ट प्रोबेबली वो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस होगा देखते हैं ओके सर कौन सा चैप्टर डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस ओके सर चलो थैंक यू एंड बाय बाय शुक्रिया चलो बाय